चलेंगे हम सोनभद्र के दुग्धी, वहां पर मुख्यमंत्री योगी की जनसभा चल रही है। स्मार्टफोन आप दे रहे हैं हर नौजवान को, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया है। हमने तय किया है 10 मार्च के बाद अब सरकार बनेगी। अब भाइयों बहनों, 2 करोड़ नौजवान को टैबलेट स्मार्टफोन फ्री में उपलब्ध के लिए सारा खर्चा सरकार उठाएगी। आप मुझे बताइए, पूरा क्षेत्र पेयजल के संकट से गुजरता था, पानी की किल्लत होती थी। अप्रैल मई तक पहुंचते पहुंचते लोगों के सामने भारी संकट आता था। आपको भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार ने हर घर नल योजना के माध्यम से हर घर को शुद्ध पेयजल आरओ का पानी हर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था बना दी है ना। और यही नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा के लिए यहाँ के लोगों को भागना पड़ता था दूर लखनऊ दिल्ली, अब तो हमने मेडिकल कॉलेज आपके सोनभद्र में ही दे दिया है। सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज आ रहा है। दूसरे क्षेत्र में हमने आईटीआई दिया है, तमाम अन्य संस्थाएं दी है। और आज मैं आपका आश्वासन देने के लिए आया हूं, आपने सुना होगा हमने तय किया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति घुमंतु जाति अति पिछड़ी जाति के हर उस परिवार को जिसके पास अपना मकान नहीं है उसको मकान उपलब्ध करवाने का काम भी हम लोग करेंगे। हम एक हद से विकास कार्य करा रहे हैं, लेकिन जो माफिया गरीबों की संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे, गुंडागर्दी करते थे, गरीबों को सताते थे, अराजकता फैलाते थे, उन लोगों के लिए हम लोगों ने बुलडोजर भी तैयार किया है। यहाँ के विस्थापितों की समस्या का समाधान भी हम लोग करेंगे। और भाइयों बहनों, यही नहीं महारानी दुर्गावती के नाम पे बांदा मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। लड़ाई है विकास की, जो लड़ाई है प्रत्येक
प्रत्येक गरीब के घर में शौचालय बने, प्रत्येक के घर में बिजली चली जाए, हर गरीब को शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो जाए, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। हर खेत को पानी और हर हाथ को रोजगार की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राम गुलाल गौड़ को आप समर्थन करेंगे, भारी महामचिंत आगे भेजेंगे। यहां पर सोनभद्र जिले की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाएंगे। मोरावा से श्री अनिल मौर्य, रावर्सगंज से श्री भूपेश चौबे, ओबरा सुरक्षित अनुसूचित जनजाति के लिए श्री संजय गौड़ और बूंदी से श्री राम दुलार गौड़ को आप विजयी बना के भेजेंगे, सभी लोग बना के भेजेंगे। आज सातवें चरण का चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, सभी लोग सहमत हैं? मेरे साथ दोनों हाथ लगा करके बोलेंगे, दोनों हाथ लगा करके कहो चुनाव चिन्ह के लिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। सोनभद्र से योगी आदित्यनाथ को आप यहां पर सुन रहे थे, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आखिरी प्रचार युद्ध है और ऐसे में तमाम सियासी दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जगह पर पहुंच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, हर एक तस्वीर लगातार हम आपको दिखाते रहे।